गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 प्रश्नावली 8.3 पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो पहला सवाल, यहां पर अभी आपने सूत्र देखे, तो यहां पर हम किसी एक को बदल सकते हैं अपनी मर्जी से। तो साइन 18, यहां पर हम कोस 72 को बदल लेते हैं। तो कोस हम 72 को 18 रूप में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 90 - 18। 90 - 18 करेंगे तो 72 ही होता है, मतलब कोस ये भी 72 ही है ना। अब देखो यहां पर साइन 18 बटे कोस 90 - 18 क्या होगा, साइन 18। देखो साइन 18 में 18 भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा देखो बिल्कुल इसी तरह से, टेन 26 कोट, इसको ले सकते हैं 90 - क्या 26, 90 - 26 करेंगे तो 64 ही बचेगा। तो ऊपर 10 26 है और नीचे भी 10 26 हो जाएगा। अब 10 26 में 10 26 भाग कितनी बार जाएगा, एक बार, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहां देखो तीसरे में cos 48 - sin 42, किसी एक को बदल लो। अब अगली बार हम इसको बदल के देखते हैं, तो cos इसको हम लिख सकते हैं 90 - 42 - sin 42। देखो 90 - 42 किसे बदल जाएगा, कोस बदल जाएगा साइन में, तो साइन ये हो जाएगा 42 - sin 42। अब देखो साइन 42 - sin 42 क्या होगा, 0 बचेगा, कुछ नहीं बचा, इसका मतलब ये आंसर हो गया इसका ना। ये देखो अगला, कोसेक 31 - sec 59, तो कोसेक 31 इसको हम बदल देते हैं, तो इसको हम लिख देंगे सेक 90 - 31 के रूप में। तो कोसेक 31 माइनस, देखो अब ये किसमें बदल जाएगा, कोसेक के रूप में हो जाएगा, कोसेक 31, कोसेक 31 में कोसेक 31 गया तो कितनी बार बचा, कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, तो ये इसका आंसर हो गया। ये हमारा पहला सवाल हो गया। अब हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल देखिए, दिखाइए कि दो सवाल है इसमें, पहला भाग है 10 48 10 23 10 42 10 67 बराबर 1 और दूसरा दे रखा है उसको करेंगे। देखिए पहले भाग में देखिए, इसका यहां से यहां तक का जो भाग है, ये पहला भाग जिसको हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड है ना, लेफ्ट साइड का है इसलिए लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारा राइट हैंड साइड, हम इसमें से लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं और उसको हल करते हुए इसका आंसर राइट हैंड साइड के बराबर लेके आएंगे, मतलब 1 लेके आएंगे। तो एल एच एस लेकर चलेंगे। देखो 10 48 10 23 10 42 10 67 लिख लिया। अब देखिए 10 48 10 23 को हम ऐसे रख देते हैं, 10 48 10 23, 10 42 क्या लिख सकते हैं, 10 42 लिख सकते हैं 90 - 48 है ना। इसी तरह से 10 67 क्या लिख सकते हैं, 90 - 23, 90 - 23 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए 10 48 10 23 इसके लिख सकते हैं कोट 48 कोट 23। अब देखिए 10 48 10 23 इसको लिख सकते हैं हम, ये कोट है, ध्यान रखें कोट को हम 10 के रूप में लिखे, तो 1/10 48 गुणा इस कोट को लिखेंगे हम 1/10 23। देखो 10 23 से 10 23 एक बार कट गया, कोट 48 से कोट 48 एक बार कट गया, तो 1 × 1 करेंगे क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये हमारा क्या है, RHS है ना, मतलब LHS बराबर RHS आ गया, ये सवाल हमें करना था। दूसरे में ऐसे ही करेंगे, LHS लेकर चलते हैं, RHS 0 लेकर आएंगे, तो cos 38 cos 52 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 90 - 52 साइन 90 - 38। ठीक है, अब देखो ये तो कोस 38 कोस 52 माइनस ये किस रूप में हो जाएगा, कोस 52 और ये हो जाएगा कोस 38। देखो कोस 38 कोस 52 कोस 38 कोस 52 दोनों सेम संख्या है, अगर इसमें से इसको हटाएंगे क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, और ये हमारा आरएचएस हो गया। ठीक है,
इन दोनों सवाल को हमने कर लिया, इसके साथ एक बार दूसरा सवाल खत्म होता है, तीसरी तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल देखिए, यदि tan 2a बराबर cot a - 18, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 में 2013 में आ चुका है, ठीक है, मैंने पिछले साल पेपर सॉल्व करवाए थे बच्चों को, तो ये प्रश्न ऐसे कैसे था। तो देखिए हल करते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है। तो tan 2a बराबर cot a माइनस 18, इन दोनों में से किसी एक को भी 90 के रूप में बदल दो। तो हम इसको बदल देते हैं, cot 90 माइनस 2a हो जाएगा, और ये cot a माइनस 18 अपनी जगह पर है, cot से cot काट दिया, बचे क्या 90 माइनस 2a, और यहां पर बचेगा a माइनस 18। देखो ये माइनस 18 इधर अगर प्लस का हो जाएगा तो ये प्लस का 18 हो गया, ये a अपनी जगह पर है, ये माइनस 2 उधर जाकर 2a प्लस का हो जाएगा, तो यहां तो हो गए 3a और यहां पर हो गए 108। a निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 को भाग देंगे 108 में, तो भाग दिया हमने, तो a बराबर कितना आया 36, दोनों बैठे 36 थी 108, 36 बार गया पूरा पूरा ना, ये आंसर हो जाएगा यहां पर a का, ठीक है। ये हमारा तीसरा प्रश्न हो गया, चौथे और पांचवें सवाल हम एक साथ करेंगे। चौथा सवाल देखिए, यदि tan a बराबर cot b हो तो सिद्ध कीजिए a + b बराबर 90 डिग्री। देखिए tan a बराबर cot b, देखिए किसी एक को बदल लो, tan a बराबर यहां पर हम इसको ले सकते हैं tan 90 माइनस b, ठीक है, tan से tan हम कैंसिल आउट कर देते हैं, तो a बराबर 90 माइनस b, ये माइनस b इधर ले आओ, तो a प्लस b हो जाएगा बराबर 90 डिग्री, ठीक है, ये पहला भाग हो गया। दूसरा देखिए, ये पांचवा सवाल देखिए, यदि tan a बराबर sec 4a, sec 4a बराबर cosec a माइनस बी है, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर हम इसको बदल लेते हैं, इसको लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 4a बराबर cosec a माइनस बी। देखो cosec से cosec काट दिया, तो 90 माइनस 4a बराबर a माइनस बी। देखो इस 4a को इधर ले जाओ, तो a प्लस 4a, इस 20 को इधर ले आओ, तो 90 प्लस 20, तो ये 110 हो गया, और यहां पर 5a, तो a बराबर 110 बटा 5, तो a बराबर कितना आएगा, 22 बार जाएगा पूरा पूरा, ये इसका आंसर हो गया पांचवें सवाल का, ठीक है। अब छठा सवाल देखिए, यदि a b और c त्रिभुज abc के अंतर कोण हो, तो दिखाइए कि sin b + c / 2 बराबर cos a / 2। देखिए यहां पर हम इसको लेकर चलेंगे त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों के योग से, तो त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग क्या होता है, ए बी सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। यहां पर बी प्लस सी है, तो बी प्लस सी हम यही रख लेते हैं, 180 माइनस ए कर देंगे, क्योंकि ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा, अब दोनों तरफ दो का भाग दे देंगे, तो बी प्लस सी बटे दो, तो 180 माइनस ए बटे दो, है ना, देखो दो का भाग दिया तो ये हो जाएगा 90 माइनस ए बटे दो, इधर को बी प्लस सी बटे दो, अब साइन जोड़ देंगे दोनों तरफ, ये साइन लगा दिया हमने, बी प्लस सी बटे दो, इधर को साइन 90 माइनस ए बटे दो। देखो ये तो साइन बी प्लस सी बटे दो ही रहेगा, इधर क्या हो जाएगा, साइन कोस बदल जाएगा, हाँ, और कोस 90 हट जाएगा ए बटे दो, ये हमारा छठा सवाल सिद्ध हो गया। अब देखिए सातवां सवाल, सवाल ये है, साइन 67 प्लस कोस क्षेत्र को 0 तथा 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है, देखो साइन 67 प्लस कोस 75, हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 23 प्लस इसको लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 15, अब इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा कोस 23 प्लस ये हो जाएगा साइन 15, ठीक है, हो गया 0 से 45 के बीच में। तो ये हमारा सातवां सवाल खत्म होता है, और इस सातवें सवाल के साथ हमारी प्रश्नावली भी खत्म होती है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब मिलेंगे प्रश्नावली 8.4 के साथ में, थैंक यू।